हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ वो है इंडोनेशिया के लिए। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो सारी पोस्ट सुनना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। पोस्ट बहुत सारी हैं तो आप एक बार ध्यान से सुनना, सबके लिए लगभग इसमें पोस्ट अवेलेबल हैं तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से सुनना। तो बात कर लेते हैं इसमें। अर्जेंट हायरिंग फॉर चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के लिए है ये जॉब वैकेंसी। और इसमें जो कैटेगरीज हैं वो हैं सुपरवाइज़र, इंडियन या फिर नेपाली, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी चाहिए इन्हें 6, और सैलरी जो रहेगी वो है 1 लाख से लेकर 1,30,000 तक की यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी, वो भी इंडियन रुपीज़ में, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है ट्रांसलेटर की, इंडियन नेपालीज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी इसमें भी है 4, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो है 1 लाख टू से लेकर 1,40,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है शेफ़, इसमें भी इंडियन और नेपालीज दोनों ही एलिजिबल हैं, और क्वांटिटी है इसमें 8, 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो है 30,000 to 35,000। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है 6G वाइट स्टील इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है 6G वाइट स्टील इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की, और इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है इन्होंने जो मांगी है, रिक्वायरमेंट है, वो है 100, 100 नंबर ऑफ, यानी कि 100 नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, 100 पीपल लेने चाहिए। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है, 6G वाइट स्टील इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अगर कोई जानता है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें जो है सैलरी आपकी रहेगी 35,000 से लेकर 50,000 तक। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है 5F कार्बन स्टील वेल्डिंग। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं 150, 150 इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, 150 इनकी 150 कैंडिडेट्स की इन्हें रिक्वायरमेंट है, और इसमें जो सैलरी है वो है 35,000 से लेकर 50,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है रिवेटर, यानी कि हेल्पर कह सकते हो आप, हेल्पर की, और इसमें जो सैलरी है वो है 25,000 से लेकर 35,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है प्लम्बर की, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 150, इसमें भी जो सैलरी है वो है 35,000 से लेकर 40,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए 50, और जो सैलरी रहेगी वो है 35,000 से लेकर 45,000 तक। और एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो जॉब वैकेंसी है इसमें आपको विद टिकट ये जॉब वैकेंसी मिल रही है, काफ़ी सस्ते में आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब इसमें देखो जो इन्होंने नोट दिया है, स्पेशल नोट है, ओनली ट्रेड टेस्ट पास कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, यानी कि जिन जो लोग ट्रेड टेस्ट पास कर लेंगे वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। क्लाइंट इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, ये दोनों ही आपका होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू भी होगा क्लाइंट के साथ और ट्रेड टेस्ट भी होगा। ओनली जेन्युइन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, जेन्युइन कैंडिडेट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं वैसे तो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बैकआउट कर जाते हैं, कई लोग सिर्फ इंक्वायरी के लिए पूछते हैं, तो इंक्वायरी ना करें। जिनको ज़रूरत है जॉब की, जिनको जाना है, इमीडिएट ज्वाइनर्स जो जाना चाहते हैं जेन्युइनली, वही अप्लाई करें। और इसको अप्लाई करने के लिए इस तरह की जॉब, एक ये वाली जॉब और इससे पहले जो मैंने दुबई की वैकेंसी डाली है, ठीक है, उसमें दो तरह की डाली है, एक का इंटरव्यू हिंदी में है और एक का आप इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो मीन्स एक में, तो उन इन दोनों के लिए आपको अप्लाई मेरी ईमेल आईडी पर आप अपने रिज्यूमे भेज दीजिए, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा कंसल्टेंट को। या फिर अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो या खुद की क्वेरी पूछना चाहते हो तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ड्यूटी आवर्स की बात कर लेते हैं, तो 10+1 आवर यहाँ पर ड्यूटी रहेगी आपकी, और 28 दिन की ड्यूटी रहेगी पूरे महीने में। अदर बेनिफिट की बात करें तो फूड एकोमोडेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस आपको कंपनी ही प्रोवाइड करने वाली है इन जॉब वैकेंसीज़ के लिए। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, यानी कि हिंदी में भी है तो आप हिंदी में भी इसमें
इंटरव्यू दे सकते हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू अगर इंग्लिश में ना होके हिंदी में हो जाए तो अच्छा है। तो इसमें काफ़ी अच्छा है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मोड ऑफ लैंग्वेज आपके लिए अवेलेबल हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज यहाँ पर 20 से लेकर 45 साल तक मांगी गई है। तो काफ़ी लोग थे जो इस चीज़ से परेशान थे कि अप टू 40 ईयर्स तक मांगते हैं, तो इसमें 45 ईयर्स तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैरिड पर्सन विल बी मच प्रिफर्ड, जो लोग मैरिड हैं वो इसमें प्रिफर्ड है, जबकि ऐसा होता है कि सिंगल लोगों को प्रिफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैरिड पर्सन को प्रिफर किया जा रहा है। ऐसा कोई जन नहीं है कि उन्हीं को लेंगे, लेकिन उनको प्रिफर किया जा रहा है, ठीक है। एनुअल लीव की बात करें तो वंस इन 2 ईयर, यानी कि 2 साल में एक बार आपको एनुअल लीव दी जा सकती है इनकी तरफ से। और एनी आवर्स एक्सक्लूडिंग इज़ कंसिडर्ड एज ओवर टाइम। इसके अलावा जितने भी अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका आपको अलग से पेमेंट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी है इंडोनेशिया के लिए, तो और वैसे ये चीप उसमें है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर देना, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इन वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे, इस तरह की जॉब वैकेंसीज भी मिलती रहेंगी। और अप्लाई करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपका अपडेटेड CV, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका स्कैन पासपोर्ट बोथ फ्रंट एंड बैक साइड, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल करनी है। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। और वहाँ पर एक बात और ध्यान से सुन लेना कि आपको मेंशन ज़रूर करना है कि किस पोस्ट, किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मेंशन करने का मतलब हिंदी में बता देता हूँ, आपको लिखना ज़रूर है मेल में कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, किस देश में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी जॉब वैकेंसी इंडोनेशिया के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल